नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के DX न्यूज ओपिनियन के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बता, वीडियो को लाइक जरूर। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की प्रथम चरण की समाप्ति हो चुकी है और इस बार किसकी बनेगी सरकार वो हम आपको बताएंगे और कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे आप। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो में पूछ गए सवालों का जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं 15,000 रुपए तक की नकद राशि। तो दोस्तों, एबीपी न्यूज, टाइम्स नाव और फलोदी सट्टा बाजार ने जो गुजरात के चुनाव की 68 सीटों का महा ओपिनियन पोल जारी किया है वो हम आपके बीच में लेके आए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 27 सालों में बीजेपी की सत्ता है, क्या आपकी बार भी बीजेपी बाजी मार लेगी, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपना बहुमत के साथ जीत कर लेगी। तो वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2017 में बीजेपी को यहां पर 68 सीटों में से 40 सीटों का आकलन हुआ था और बीजेपी को 20 सीटों का आकलन हुआ था। पिछली बार यहां पर आम आदमी पार्टी को 8 सीट और बीजेपी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था, लेकिन इस बार किसकी सरकार बनेगी ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, प्रथम चरण में गुजरात के हर पार्टी के बड़े नेता बड़े बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर पीएम मोदी ने भी कहा है कि हम माताओं और बहनों के लिए रेल एवं बस यात्रा फ्री और बेरोजगार लोगों को 2,000 रुपए तक आप प्रति महीना भत्ता भी दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा 68 सीटों में से एक एक सीट के बारे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। वहीं दोस्तों, बात करें सर्वप्रथम सीट जूनानगर जिला की, तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं, 5 में से 2 बीजेपी पार्टी को, 3 कांग्रेस पार्टी को, 0 सीटों का आकलन आम आदमी पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात करें अगली सीट वालसंड जिला की, तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं, 5 में से 1 बीजेपी को, 3 कांग्रेस पार्टी को, 1 आम आदमी पार्टी को और बाकी सबको 0 सीट का आकलन हुआ है। वही दोस्तों, बोटाड़ की कुल 2 सीटों पर बात करें तो 2 की 2 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी को बड़ा बेहतरीन तगड़ा झटका मिलता नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें सोमनाथ जिले की, तो यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं, 4 में से 3 बीजेपी को पूर्ण बहुमत और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट पंचमहल जिला की, तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं, 5 में से 3 कांग्रेस पार्टी को, 2 बीजेपी पार्टी को और आम आदमी पार्टी को 0 सीटों का आकलन दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों, साम्बरकंठा की कुल 4 सीटों पर बात करें तो 4 में से 1 बीजेपी को, 2 आम आदमी पार्टी को और 1 आम आदमी पार्टी को हासिल हुई है। वहीं दोस्तों, बात करें अमरेली की, तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं, 5 में से 4 कांग्रेस पार्टी को, 1 बीजेपी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को 0 सीट हासिल हुई है। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट पोरबंदर की, तो यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं, दोनों को समांतर बीजेपी को 1 और कांग्रेस पार्टी को भी 1, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है अब की बार इस चुनाव नतीजे में। वहीं दोस्तों, गुजरात की सीट अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पर कुल 21 सीटें हैं, 21 में से 10 कांग्रेस पार्टी को, 8 बीजेपी पार्टी को, 3 आम आदमी पार्टी को मिलती नजर आ रही है दोस्तों इस बार। बात करें अगली सीट राजकोट की, तो यहाँ पर कुल 5 सीटें, 8 में से 4 कांग्रेस पार्टी को, 3 बीजेपी पार्टी को, 1 आम आदमी पार्टी को और बाकी अदर पार्टी को 0 सीट हासिल हुई है। वहीं दोस्तों, बात करें अगली सीट मेहसाणा जिला की, तो यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं, 7 में से 3 बीजेपी पार्टी को और 4 कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।